मूवी का ट्रेलर देख के तो ऐसा लगा था जैसे मार्वल और डीसी को भी टक्कर देने वाला सुपर हीरो आया है, लेकिन जब पूरी मूवी देखी तो भाई साहब एक्सपेक्टेशन बाबू भैया एक्सपेक्टेशन। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो इस मूवी की स्टोरी इतनी रिपीटेटिव है। अपना हीरो एक सोल्जर रहता है, उसको जेनेटिकली एडवांस सुपर हीरो बना दिया जाता है, उसको फिजिकली और मेंटली उसके सारे मूव्स को मॉनिटर किया जाता है और उसके मेमोरी के साथ मैनिपुलेट करके येड़ा बना के पेड़ा खिलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं मैं बोलते बोलते स्पॉयलर ना दे दूं। कुछ होना तो चाहिए मूवी के अंदर ट्रेलर के अलावा आपको स्पॉयलर देने के लिए। इस मूवी का डायरेक्शन और इसकी स्टोरी लिखी है लिटरली हाईएस्ट लेवल का सस्ता नशा किया है राइटर और डायरेक्टर ने। किसी भी कैरेक्टर को आप कनेक्टेड फील नहीं करते हो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कोई मर गया है या कोई मार रहा है, किसी कैरेक्टर के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं। और ये इसलिए क्योंकि किसी की बैक स्टोरी अच्छे से दिखाई नहीं गई, और ये इसलिए क्योंकि मूवी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई बेस ही नहीं है। मुझे लगता है 3-4 VFX क्लास के टॉपर साथ में आए, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन VFX एक्शन वाले सीन्स डिजाइन किए, उनको विन डीजल सर के सामने रखा और वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं इस मूवी को प्रोड्यूस भी करूंगा, और बस शायद एक शर्त रख दी होगी कि मेरे पास सिर्फ 4 दिन है, तुमको जो बनाना है बनाओ। और इन सब में ये लोग भूल गए कि एक सुपर हीरो मूवी के अंदर सुपर विलन भी होता है। एक ऐसा विलन नहीं है अपने सुपर हीरो के सामने जो सिर्फ 10 सेकंड टिक गया। अब बात करते हैं मूवी की एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस के बारे में। विन डीजल इस मूवी के मेन लीड और प्रोड्यूसर है, एंड डेफिनेटली जब वो पर्दे पे आते हैं उनका अपीयरेंस, उनका ऑरा, मस्कुलर बॉडी और हैवी वॉइस एक सुपर हीरो की तरह लगते हैं। स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा ईसा गोंसालेस का, जिन्हें इस मूवी में अपोजिट विन डीजल के बहुत अच्छा स्क्रीन टाइम मिला है, जिसका पूरा फायदा उठाया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में। अब बात करते हैं जिसके लिए ये मूवी मैं देखने गया थिएटर में। एक्शन सीन्स और बहुत अच्छे VFX, कुछ भी कह लो, लेकिन इस मूवी की एडिटिंग और ट्रेलर की एडिटिंग बहुत ही जबरदस्त है। जो हाईटेक नैनो सेल्स का इस्तेमाल किया वो किस तरह से बॉडी को हील करते हैं, सच में बड़े पर्दे पर देखने के लिए एक विजुअल ट्रीट था। ट्रेलर में जो अपने फेस पे गनशॉट देखा और जब अपना हीरो बॉम्ब को पकड़ लेता है और वो एक्सप्लोड होता है उसके बॉडी पे, वो कुछ सीन्स के VFX सच में नेक्स्ट लेवल के थे। लेकिन ये सब तो हमने ट्रेलर में देख लिया ना, तो मूवी में कुछ भी नहीं था नया। काश थिएटर में भी YouTube जैसा 10 सेकंड स्किप करने का ऑप्शन होता, मैं भी स्किप कर करके अच्छे अच्छे एक्शन सीन्स देख लेता। हद तो तब पार हो जाती है जब इसका क्लाइमैक्स सीन आता है। आई मीन वो आया ही कहां, वो तो था ही नहीं, पैसे खत्म हो गए कि पता नहीं क्या हो गया। हां, मुझे क्या लगता है ना, पहले इन्होंने ट्रेलर बना लिया होगा और फिर बाद में मूवी बनाई। इस मूवी को मैंने हिंदी डब में देखा और जैसा आप जानते हैं आदत से मजबूर है हिंदी डब, चीप और बेकार के रेफरेंस तो यूज करना ही है इनको। अब आते हैं इस मूवी के फाइनल कंक्लूजन पे। अगर आप एक्साइटेड है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के ट्रेलर को देख के, इसके VFX को देख के, तो इसका ट्रेलर आप एक दो बार और देख लो, आपने मूवी देख ली है। क्योंकि लिटरली इस मूवी के अंदर एक भी ऐसा VFX सीन नहीं है जो ट्रेलर में ना हो लेकिन मूवी के अंदर है। और अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर नहीं देखा है तो ये शायद आपके लिए वन टाइम वॉच है। अगर आप विन डीजल के फैन है तो वेट करना फास्ट एंड फ्यूरियस का। इसी के साथ अंग्रेजी मीडियम भी रिलीज हुई है, उसका रिव्यू आपको स्क्रीन पे मिल जाए। हमारा शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर आपको लगता है आपकी और मेरी सोच कहीं ना कहीं मिलती है तो आइए हमारे Instagram ID अभी_review पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।